ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस नवे मोड़ के मुताबिक कल बीती रात सिमरजीत सिंह बैंस को रिहा कर दिया जाता है, पुलिस थाने जो रिहा कर दिया जाता है। सो थानू दस दिए वड्डी खबर सामने आ रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस हुण बाहर आ चुके हुए ने, जिहड़े हिरासत च लिया गया सी उन्होंने हिरासत तो छड़ दिता गया है, रिहा हो गए ने हिरासत चो। इस बारे साडे नाल खुल के गल करन दे लई साडे नाल होर जानकारी साझी करन लई साडे सहयोगी मनदीप सिंह मौजूद ने। जी मनदीप, सो मनदीप की स्टेटस है, की होया, किस तरीके सिमरजीत सिंह बैंस जिहड़े ने ओह बाहर आए, की होया, की असल विच? सर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि एक तरफा फैसला लिया गया थी जिसके करके चोन कमिश्नर ने SHO नूं सस्पेंड कर दिया गया है, इस केस के संबंध में उन्होंने इनक्वायरी भी लगा दी है जी, जिस करके इन्हां नूं सिमरजीत सिंह बैंस नूं रिहा कर दिया गया थी। सो बीती रात इन्हां नूं रिहा किया गया, किस तरीके का माहौल थी उत्थे, की होया जिस तों बाद इन्हां नूं रिहा किया गया? क्योंकि गल करिए इन्हां दे वड्डे भरा दी, उन्होंने भी उन्हां दा भी इह कहना सी कि कमिश्नर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रिहा कर देता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप। सो थानू दस दिए कि एक वड्डी खबर सामने आ रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस नू रात देर रात रिहा कर दिता गया है। वड्डी गल ए कि जिस SHO ने यह मामला दर्ज किया शिमलापुरी थाने लुधियाने के, शिमलापुरी थाने दे विच मामला दर्ज किया गया सी, मिली जानकारी मुताबिक उस SHO नू भी सस्पेंड कर दिता गया, इलेक्शन कमीशन वालों उस SHO नू सस्पेंड कर दिता गया। वड्डी खबर सिमरजीत सिंह बैंस अते कमलजीत सिंह कड़वल दी चड़प नू लैके सामने आ रही है, जिस दे विच ये साफ हो गया कि जिहड़े बलविंदर सिंह बैंस ने उन्हां दा इल्जाम सीगा, उन्होंने लुधियाने के पुलिस कमिश्नर नू इस बारे कंप्लेंट भी की है कि एक तरफा जी गल सुनी गई है। हालांकि जेकर गल की जाए वीडियोस भी वायरल हुई सन जिस कितने कितने फायरिंग का सामने आ रहा है, फायरिंग होने का मामला सामने आ रहा है, लगातार भन तोड़ की गई कमलजीत सिंह कड़वल वालों इल्जाम लगाए गए से सिमरजीत सिंह बैंस से कि भन तोड़ हुई है, वड्डी चढ़प हुई है। हालांकि गल की जाए तो एक वड्डा जिहड़ा मोड़ इस केस दे विच आंदा सामने नज़र आ रहा है, जेकर गल की जाए देर रात सिमरजीत सिंह बैंस नूं रिहा कर दिता जांदा है ते वड्डा जिहड़ा एक्शन है इलेक्शन कमीशन लैंदी है, जिहड़े SHO वल्लों मामला दर्ज किया जाता वो SHO नूं सस्पेंड कर दिता गया है, इनकुआरी इस केस के उत्ते लगा दी गई है इलेक्शन कमीशन वालों। देखना यह होएगा कि इस इनकुआरी का नतीजा की निकलता है। सो एक वड्डा मोड़, एक वड्डी खबर सिमरजीत सिंह बैंस अते कमलजीत सिंह कड़वर की झड़प में लैके सामने आ रही है कि सिमरजीत सिंह बैंस नूं हुण रिहा कर दिता गया है। 307 दे तहत FIR दर्ज की गई सी, जिस तों बाद सिमरजीत सिंह बैंस नूं लुधियाना दे कोर्ट कंपलैक्स दे विचों हिरासत च लिया गया सी, जिस तों बाद बीती रात सिमरजीत सिंह बैंस नूं रिहा कर दिता गया ते SHO सस्पेंड कर दिते गए ने इलेक्शन कमीशन वालों, तो एक वड्डी इनक्वायरी जिहड़ी है इस पूरे मामले उत्ते बिठा दी गई है।